हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? लीगल गुरु के आज के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र हेमन मेहरा। दोस्तों, अगर हैकर आपके बैंक खाते से पैसे निकाल ले तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक की होगी या फिर आपकी होगी? क्या बैंक उस पूरे पैसे को आपको वापस करेगा? आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नेशनल कंज्यूमर आयोग द्वारा दिए गए लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें नेशनल कंज्यूमर आयोग ने ग्राहकों के फेवर में जजमेंट दिया है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है? तो भारत में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बना था, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून। ये जो कानून है, ये उपभोक्ताओं के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है? अगर उपभोक्ता कहीं से सेवा या कोई सामान खरीदता है, तो यहाँ पर सेवा का मतलब, जैसे उपभोक्ता किसी डॉक्टर से सेवा ले रहा है, या फिर सीए के पास जाकर सेवा लेता है, या फिर बैंक में सर्विस लेते हैं, जैसे आपने बैंक में पैसे रखे हैं और बैंक उस पैसे को रखने के लिए आपसे कुछ चार्ज ले रहा है या फिर आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये सर्विसेज की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये सेवा की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी सेवा में कोई त्रुटि है या कोई सामान मानकों के मुताबिक नहीं है या सामान में कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसे मामले कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। हमारे यहाँ पर तीन तरह के कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम है। इसमें जिला लेवल पे जिला फोरम, राज्य स्तर पे स्टेट कंज्यूमर कमीशन यानी कि राज्य उपभोक्ता आयोग, और राष्ट्रीय लेवल पे आता है नेशनल कंज्यूमर कमीशन यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीन लेवल के फोरम उपलब्ध हैं, जो दावों की रकम के आधार पर दावों को सुनते हैं। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ये फोरम विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, आप बैंक में खाता खुलवाने गए और बैंक ने नाजायज रूप से आपसे अधिक रुपए चार्ज कर लिए, या कोई सामान आपने कहीं से खरीदा जो एमआरपी से अधिक दाम पर आपको दिया जा रहा है, या फिर आप कहीं से कपड़े खरीद रहे हैं और वो डिफेक्ट निकल गया, तो आप सीधे ही कंज्यूमर फोरम में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको उस सेवा प्रदाता के पास या फिर उस डीलर के पास या फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा, जहां से आपने सेवा ली है या कोई गुड्स या सामान खरीदा है, और आपको उस सेवा प्रदाता को बताना पड़ेगा कि आपकी सेवा में ये त्रुटि है, और यदि आपने कोई सामान खरीदा है और वो डिफेक्ट निकल गया, तो आपको उस सेलर को बताना पड़ेगा कि आपके इस सामान में ये डिफेक्ट है। तो या तो सेलर आपको उस सामान के बदले नया सामान देगा, या फिर आपको उस सामान के पैसे वापस करेगा। और यदि वो इसका उचित निष्कर्ष नहीं निकालता है, जैसे उसने कपड़ा बदलने से मना कर दिया, या फिर पैसे देने से मना कर दिया, या फिर बैंक ने अधिक लिए गए चार्ज को वापस नहीं किया गया, तो यहाँ से दोनों के बीच में डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। तो इसके बाद उपभोक्ता मामले को कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकता है, और सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट द्वितीय पक्ष को बुलाएगा और उससे कहेगा कि सेवा में जो भी कमी है उसे दूर किया जाए। अगर फिर भी सेवा प्रदाता ऐसा नहीं करता है, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट मामले को सुनकर उस सेवा प्रदाता पर पेनल्टी लगा सकता है, खर्चा देने को कह सकता है, और इस सब के कारण हुई पीड़ा के लिए मुआवजा भी दे सकता है। ऐसा ही मामला था पुणे का, जिसमें लॉन्ज एंजलिस में रह रही बेटी जैस्ना जोस के लिए थाने के एक पिता ने मुंबई स्थित HDFC बैंक से एक प्रीपेड फोरेक्स प्लस डेबिट कार्ड 2007 में लिया था। फॉरेक्स कार्ड एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज कार्ड होता है, जिसमें विदेशी मुद्रा निकाली जाती है और विदेशों से पैसे निकालने के लिए काम में आता है। तो ये कार्ड उन्होंने HDFC बैंक से लिया था। 19 दिसंबर 2008 को जैस्ना जोस के पिता से बैंक ने $310 की निकासी की कंफर्मेशन मांगी, तो जैस्ना जोस के पिता ने बैंक को बताया कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। अगले दिन बैंक ने बताया कि 14 से 20 दिसंबर के बीच $6,000 की निकासी की गई है। इस पर जैस्ना ने लॉस एंजलिस में शिकायत दर्ज कराई
कि किसी ने हैकिंग कर उसके खाते से रुपए निकाल लिए हैं। जेसना जोन्स ने ठाणे की जिला उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की और फोरम ने जेसना के फेवर में फैसला सुनाया। फोरम ने माना कि जेसना के पिता ने बैंक में पैसे रखे थे, यानी कि बैंक एक सेवा प्रदाता है और बैंक की ये जिम्मेदारी होगी कि वे उपभोक्ता के पैसों को सुरक्षित रखे। तो अगर हैकर ने बैंक से पैसे निकाल दिए तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी, फोरम ने कहा। इस प्रकार राज्य उपभोक्ता फोरम ने जेसना के फेवर में आदेश सुनाया। इस आदेश के खिलाफ HDFC बैंक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में गया था, तो आयोग ने HDFC बैंक की याचिका को खारिज कर दिया और कहा अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते से किसी हैकर या किसी अन्य कारण से पैसे निकाल कर धोखाधड़ी की जाती है और इसमें ग्राहक की लापरवाही नहीं है, ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस संदर्भ में एक अहम फैसला सुनाते हुए आयोग के जज श्री विश्वनाथ ने फॉरेक्स कार्ड की हैकिंग की वजह से एक NRI महिला से हुई धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है और आयोग ने HDFC बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि पीड़ित महिला को 6,110 अमेरिकी डॉलर तकरीबन 4.46 लाख रुपए 12% ब्याज के साथ वापस लौटाएं। आयोग ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए और केस खर्च के रूप में 5,000 रुपए भी दे। आयोग के जज सी विश्वनाथ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि पीड़ित महिला का क्रेडिट कार्ड किसी अन्य ने चोरी कर लिया था। महिला का दावा है कि उसके खाते से पैसे किसी हैकर ने निकाले हैं और बैंक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में खामी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी ये माना कि बैंक की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रणाली में खामी है और उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया और बैंक को दिशा निर्देश दिए कि वो इस खामी को दूर कर। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अगर उपभोक्ता की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी और बैंक पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करेगा और हर्जाना भी देगा। तभी उपभोक्ता फोरम कहता है जागो ग्राहक जागो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें जिससे ऐसी धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता उचित कदम उठा सके। थैंक यू।